अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलें शुरू करते हैं सबसे पहले आज की अच्छी बात। किसी के खामोश रहने का ये मतलब नहीं होता कि इसके पास जवाब नहीं है। असल बात तो ये है कि हर शख्स इस काबिल नहीं होता कैसे जवाब दिया जाए। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बड़ी ही मज़ेदार सी मसालेदार भिंडी। ये देखिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है, इसको इस शेप में मैंने काट ली है। दही आधी प्याली, इसमें मैंने मलाई मिक्स कर ली है, घर की मलाई। दो स्मॉल टमाटर, मैंने इसको प्यूरी बना लिया। एक प्याज, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, लेमन जूस 1 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला, चॉप्ड हरी मिर्चें, चॉप्ड अदरक, चॉप्ड लहसुन। चलें स्टार्ट करते हैं अब। जी तो मैंने एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम किया है, इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी प्याज गई इसमें। इसको हल्का फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करके इसी में हम भिंडी ऐड कर देंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी भिंडी इसमें गई। तीन से चार मिनट तक हमने इसे फ्राई करनी है अच्छी सी, कि हमारी प्याज भी फ्राई हो जाए और भिंडी भी अच्छी सी फ्राई हो जाए। ये देखें प्याज हमारे गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुकी है गोल्डन। ये देखें ज़बरदस्त कलर आ गया प्याज का, भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखें अच्छे से फ्राई हो गई, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये सारी भिंडियाँ हम प्लेट में निकाल लेते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं। फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया वापस से। अब इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से इसमें से खुशबू आ जाए। ये देखिए अब इसमें क्रश किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब ये देखिए अच्छा सा फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए इसको मिक्स करा, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है बिल्कुल। ये देखिए इसका कलर अच्छा सा हो गया जबरदस्त। अब इसमें ऐड करना है हमने टोमेटो प्यूरी, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। ये देखें ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब इसके बाकी के मसाले ऐड कर देंगे हम, धनिया पाउडर, देन हल्दी, गरम मसाला पाउडर एंड नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, नमक और मिर्च आप जैसा पसंद करें उस हिसाब से आप इसमें नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखें इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा, ताकि हमारा मसाला ना लगे। अब हमें इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है ऑलमोस्ट। ये देखें इस तरीके से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। ये देखें भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है, तो आप ज़रूर इसको इस स्टाइल में बनाएं, टेस्ट करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसी बनी है। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ दही, और इसमें मैंने मिक्स करी थी मलाई। 2 टेबलस्पून मैंने दही लेते और 2 टेबलस्पून मैंने घर की मलाई ली थी। आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखें ज़बरदस्त। दही ऐड करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेंगे। ये देखें इस तरीके से। ये देखें अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है आप देख सकते हैं। इसमें मैं एक हरी मिर्च ऐड करती हूँ, और अब इसमें मैं
भिंडी डालती हूँ। ये हमारी भिंडी गई इसमें, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है ये ढाबा स्टाइल में भिंडी, मसालेदार भिंडी आपने बना के ज़रूर ट्राई करनी है, ज़बरदस्त। ये देखिए प्याज भिंडी में सारा इसमें ऐड कर दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, ये देखें अच्छे से मिक्स कर दी मैंने इसको। अब मैं इसको फ्लेम बिल्कुल स्लो करके इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख दूंगी इस तरीके से। ये मैंने इसको कवर किया, 2 से 3 मिनट हो गए, चेक करते हैं इसको। ये देखें इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें लेमन डालेंगे, मैंने आपको कहा था 1 लेमन जूस। ये देखें इसमें अब ऐड करेंगे हम, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। भिंडी हम चेक कर लेते हैं कि गली है या नहीं गली। ये देखें ये गल चुकी है, बस इसको अब हम दम पे रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इसको कवर करके रख देंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, इसका कलर देख सकते हैं आप। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखें हमारी मज़ेदार सी मसाला ढाबा स्टाइल भिंडी बिल्कुल रेडी है, आपने बना के ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि कैसी बनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।